छात्रों, एक्सरसाइज 3.4 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 की है और इसमें हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये सभी वर्ड प्रॉब्लम पर बेस्ड है, यानी कि ये आपके इबारती सवाल है, इसमें हमें समझना पड़ता है और 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आपका इस यूनिट से निर्धारित किए गए फिलहाल जो ब्लूप्रिंट है उसके अनुसार, और पूरा चैप्टर आपका बहुत अच्छा महत्व रखता है, 10 नंबर देता है, इसलिए आप इस पूरे चैप्टर को इंटरेस्ट लेके पूरा पढ़ें, ठीक है। क्वेश्चन इस प्रकार से हैं, देखिए आप, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई, ठीक है, तो समरी के रूप में हम देख रहे हैं कि कुल कितना रुपया निकाला उसने, 2000 रुपये, ओके। उसके बाद में उसने खजांची को मीन्स क्लर्क को जो भी था 50 रुपये और 100 रुपये के नोट दिए, तो 50 रुपये और 100 रुपये के नोट ही उसने लिए हैं। उसके बाद में मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए थे, नंबर आप जो नोट हैं वो कितने हैं, वो है आपके 25 नोट, और ज्ञात कीजिए कि 50 रुपये के और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त होंगे, 50 रुपये के कितने, 100 रुपये के कितने, और टोटल 2000 होना चाहिए और टोटल नोट की संख्या 25 होना चाहिए, सभी कंडीशन, ओके। तो यहाँ पर सोचना नहीं है, आपको शुरू हो जाना क्वेश्चन पढ़ने के बाद, बस एनालिसिस उसका सही होना चाहिए कि हम इसमें क्या क्या देख रहे हैं, जैसे आपको निकालना है इसमें कि 50 के नोट कितने और 100 के नोट कितने, तो क्वेश्चन आपकी शुरुआत यही होगी, लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट बी एक्स एंड 100 रुपीज़ नोट बी वाई, माना कि 50 रुपये के जो नोटों की जो संख्या है वो एक्स है, तो ये देखिए आप 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है, x है, और साथ में 100 रुपये के नोटों की जो संख्या है वो कितनी है, y, ओके। अब आपको ये पहली कंडीशन में लिख रखा है कि जो 50 और 100 के जो नोट दिए गए हैं उनका वैल्यू तो 2000 है, बट नंबर ऑफ नोट्स यानी कि जो नोटों की संख्या वो कितनी, 25, मीन्स x और y, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि कुल नोटों की संख्या, ठीक है, आप यहाँ लिख भी सकते हैं कि कुल नोट की संख्या, कुल जो नोट है हमारे पास वो है 25, और इसलिए x प्लस वाई मिलकर के कितना आ जाएगा, 25, ये आपकी इक्वेशन बन गई, ठीक है। यूँ क्वेश्चन पढ़ने में कितना डिफिकल्ट लग रहा है, बट आप देखेंगे बड़ा आसान हो जाएगा। उसके बाद में उनका जो वैल्यू है ना, कुल मिला के उसका जो टोटल हो रहा हो 2000 रुपये है, तो दूसरी शर्त में चलते हैं हम, दूसरी शर्त से 50 रुपये का अगर एक नोट होता है तो 50 की वैल्यू देता है, बट हम कितने रुपए लेके आए, एक्स नोट लाए थे 50 के, इसलिए 50x हो गया। मान लो दो नोट होते तो 50 × 2 यानी कि 100 रुपया बन जाता हो, तीन नोट होते तो 150 रुपया बन जाता है, इस प्रकार से 50x। फिर आप 100 रुपये के नोट अगर एक वैल्यू हो, एक नोट होता तो 100 रुपये वैल्यू रख रहा है, बट हम कितने नोट लेके आए, 2000 रुपये, तो इन दोनों का जो वैल्यू है वो कितना है, 2000। अगर आपको किसी इक्वेशन में किसी स्टेप पर लगता है कि इक्वेशन के नंबर्स को हम पूरे इक्वेशन में डिवाइड या मल्टीप्लाई करके छोटा बना सकते हैं, तो निश्चित रूप से बना सकते हैं। जैसे इसमें हम देख रहे हैं कि 50 का अगर डिवाइड हो जाए तो शायद ये इजी हो जाएगा, तो हम इसमें कहेंगे कि 50 से भाग देने पर डिवाइड बाय 50, तो 50 से, अब आपके मन में प्रश्न आ रहा हो, सर कभी 50 से हम भाग देना भूल गए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो थोड़ा सा डिवाइड करने से क्या होता है, छोटा सा सिंप्लीफिकेशन अच्छा आ जाएगा इसमें, तो अगर हम 50 से डिवाइड करते तो ये हो जाएगा x, 50 से डिवाइड करने से ये हो जाएगा 2y, और 50 से डिवाइड करने पर ये हो जाएगा 40। इस प्रकार से दो इक्वेशन बन गई, तो समीकरण 1 एवं 2 को हल करने पर जो भी विधि आप अप्लाई करना चाहे कर सकते हैं, फिलहाल आपको वही बेटर लगेगी, ये देखिए आप, और x प्लस 2y = 40, यहाँ हम देख रहे हैं कि फिर से x इक्वल हो चुका है, इसलिए बेटर है कि इन दोनों को ही हम कैंसिल करना चाहेंगे, और जिसको कैंसिल करना चाहें उसके साइन जरूर देख ले पहले से कि क्या साइन अपोजिट है, नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे हम बाय सब्ट्रैक्शन, घटाने पर साइन चेंज हो जाएंगे, देखिए आप ये सब साइन चेंज होगा, ये कैंसिल होता है हमेशा, वाई माइनस 2y बोलेंगे तो माइनस वाई होगा, यहाँ आप 50 − 25 − 40 करेंगे तो माइनस का 15, माइनस अगर दोनों तरफ हैं माइनस साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई का वैल्यू हो जाएगा 15। जैसे एक वेरिएबल का वैल्यू आता है विलोपन विधि में या एलिमिनेशन मेथड में, तो हमेशा हम किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर सकते हैं, और देख लेना चाहिए कि बेटर कौन सा है, दोनों ही अच्छे इक्वेशन है, आपको लग रहा है ये बेटर है तो आप लिख दीजिए कि समीकरण 1 में एक्स का किसका वैल्यू आया था, वाई का आया था, तो वाई का मान रखने पर
अगर y का मान रखते तो देखिए आपकी x प्लस वाई इक्वल्स टू 25 था, y की जगह हम वैल्यू रख रहे हैं 15, तो x प्लस 15 इक्वल्स टू 25, और इसलिए x का वैल्यू हो गया आपका 25 माइनस 15, यानी x का वैल्यू हो गया आपका 10। अब आपको लास्ट में आंसर जरूर लिख के आना चाहिए, क्योंकि ये तो आपका मेथड था x और y को लेकर के, और जैसा भी आपने सॉल्व किया उसको तो आंसर बताना है ना आपको, तो आपको लिखना चाहिए x किसको लिया था आपने, x लिया था हमने 50 के नोट, तो यहाँ लिख देना चाहिए कि 50 रुपये के नोटों की संख्या वो हुई आपकी 10। इसी प्रकार से 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी आई थी y, यानी कि 15 आई थी। अब मैं इसको चेक करना चाहूँगा कि क्या मेरा आंसर सही है, तो आंसर को चेक करने के लिए दो कंडीशंस उसने दी थी कि जो टोटल नोट है वो 25 होना चाहिए, तो आप देख रहे हैं दोनों प्रकार के नोट मिला के 25 हो रहे हैं। दूसरी बात, 2000 वैल्यू रखना चाहिए, तो हम देख रहे हैं अगर 50 के 10 नोट लेके कोई आता है तो 50 गुनी 10 यानी कि 500 रुपये बनते हैं, और अगर 100 के 15 नोट लेके आते हैं, ये 15 नोट लेके आते हैं तो ये 1500 रुपये होते हैं। इस प्रकार इसका वैल्यू कितना हो रहा है, 2000, मीन्स आपका आंसर बिल्कुल 101% बिल्कुल करेक्ट है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा ये चैप्टर आपको, ठीक है, तो इन्जॉय करते हुए इसको पढ़ें। गणित को बिल्कुल आपको बोझ नहीं समझना है, इंजॉय करते हुए, जैसा खेल कूद में अगर आपको क्रिकेट अच्छा लगता है, क्रिकेट खेलने में बड़ा आनंद आता है और 2-3 घंटे ऐसे ही निकल जाते हैं, तो इसमें आपको उबाव नहीं रहना है। ये जो आप अभी मैथ्स कर रहे हैं, मैं आपको एक अंदर की बात बताता हूँ कि ये जो मैथ्स पढ़ रहे हैं आप, चाहे मैथ्स हो, चाहे आपका सोशल साइंस, चाहे साइंस, 10th लेवल का जो भी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, चाहे वो 8th का, 9th का या 10th का जो भी पढ़ा है, तो उसको बहुत अच्छा डीपली पढ़ें, ठीक है, थॉरो स्टडी करें। यही सब आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आगे जाकर के इस टाइप के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो कितने भी लेवल के कोई भी क्वेश्चन हो, मतलब किसी भी प्रकार के हर एग्ज़ाम में आपका मैथ्स का पेपर होता है, साइंस भी रिलेटेड होता है, आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स सभी पूछा जाता है। तो कृपया इसको आराम से पढ़ें, बहुत अच्छा पढ़ें, ये आपका एक गोल्डन टाइम है पढ़ाई का, इसलिए इंजॉय करते हुए पढ़ें, इसको बोझिल नहीं समझें। ओके, थैंक यू।